पिता का अलावा ज़िंदगी कैसा होगा, वो शायद अभी सही महसूस होने लगा। लेकिन उनका जो नाम रोशन था, मोर देन 50 साल, लगभग हाफ सेंचुरी पॉलिटिकल रहते हुए भी, कभी कभी गवर्नमेंट में, कभी अपोजिशन में होते हुए भी, कोई दाग उन पर नहीं लगा। बेदाग इसके हिसाब से मैं उसके लिए गर्व महसूस करता हूँ। तो पिताजी का सबसे बड़ा जो कमी महसूस होगा, जैसा हम धूप से, बादल से, छाव के नीचे है, ऐसा एक छत, एक प्रोटेक्शन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल एज फादर, ये बिल्कुल हमारा छत से मेरा, मेरा फैमिली का, मेरा सिस्टर का, मेरा बेटे का, बच्चे का, सबका हट गया, और जितना परिजन है सबका। आपने पूछा कोरोना, कोरोना वॉज अ सेकेंडरी थिंग है। एक्चुअली उनका जो बेसिक कोरोना हुआ ये पता भी नहीं था किसी को। 4 महीना से लगभग कोई आउटसाइड से मीटिंग नहीं हो रहा था, ये प्रिकॉशन के हिसाब से किसी का कोरोना पॉजिटिव वहाँ डिटेक्ट हुआ नहीं था। बाथरूम में 9 तारीख रात को गिर गया, हाँ, जस्ट एज रिपोर्टेड बाई द अटेंडेंट्स, माई सिस्टर एंड डॉक्टर जो भी है। तो फिर उस टाइम ही फेल्ट ओके, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया, फिर नेक्स्ट डे सुबह उनके जब चाय पीने लगा तब कुछ दिक्कत हो रहा था। उसी टाइम डॉक्टर डिडंट टेक एनी रिस्क, सीधा आरआर हॉस्पिटल ले गया। आरआर हॉस्पिटल 2004 से बाबूजी वहीं पे जा रहा है एज ए डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स का साथ एक पर्सनल रिलेशन डेवलप हो गया, और सबसे बड़ा उनका हिस्ट्री उधर है। डॉक्टर में चेंज, स्टाफ में चेंज, लेकिन उनका सारे मेडिकल हिस्ट्री कंप्यूटर में है, तो सबको पता है क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है। इसलिए आरआर, और वहाँ से कम्युनिकेशन भी अच्छा था, इमीडिएटली तैयारी किया। जब मुझे खबर मिला लगभग 9:45 बजे, तो मैं भी पहुँच कर देखा, उन्होंने बोला बड़ी सीरियस है। जब प्रोसीड्योर हो रहा था तब कोविड पकड़ा गया।